अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, सब खैर कैसे हैं, कहता हूँ लोग खैरियत से होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में भाभी को छोड़ने के लिए, तो चलिए मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अरे वो मरगला हिल्स है जिसमें हम लोग घेरे हुए हैं टेक्सला पीएफ वाकेंट, और जो हमारे इस्लामाबाद जो है हम इसके इर्द गिर्द जो है पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, मरगला हिल्स के बीच में। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और सुबह के 6:30 हैं, 6:30 AM। और अभी तो सूरज जो है उसे भी अपनी जो है नमोदारने की किरने, और आज का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा वेदर है। और हम लोग इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं, इस्लामाबाद ही सर मरगला हिल्स, हाँ सर इस्लामाबाद ही ना, वहाँ एक शॉर्टकट है डिकी लॉन्ग, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया का। और ये जो मरगला, ये जो है ना मरगला हिल्स में ये जो ट्रैफिक है, ये जो रोड है, ये रोड हमें शॉर्टकट पड़ता है इस्लामाबाद के लिए। अदरवाइज़ पहले हमें जाना पड़ता टेक्सला से तरनौल, तरनौल से हमें जाना पड़ता 2600 रुपये पिंडी। अब हम डायरेक्ट यहाँ से मरगला हिल्स निकलते हैं B17 से, और हम डायरेक्ट इस्लामाबाद, बहुत शॉर्टकट पड़ रहा है। मशरा देखिए, व्यू देखिए सुबह का, सुबह के अभी 7:00 बजे, माशा बहुत खूबसूरत वेदर है। PAF हॉस्पिटल भी है आर्मी का, ये नेवल आर्मी वालों के, और साथ ही उन्होंने एयरफोर्स वालों का आगे हॉस्पिटल है, आर्मी मैन्स भी खड़े हैं। कैंट एरिया ना, मुझे फजाई है फार्मेसी। और ये नर्सरियाँ आ गई हैं, हर हर स्टॉप पे नर्सरी है यहाँ पे। क्या हुआ था, भूल गए थे? मैं भूल गई, ये परेशान है, गड्डी चाबी मेरे को, गाड़ी में अब्बा जी है, गाड़ी चाबू दे रहे हैं, गाड़ी गाड़ी का मसला चल रहा है। हां अल्लाह, मैं देख रही थी कि इसको हुआ क्या, ये मतलब वो गड्डी था ना, बोल रहे थे दोरा नहीं पता, गड्डी में गाड़ी बोलने लग जाते, मैं भी परेशान है, पागल तरह। हाँ ये तो है, लेकिन बाइक रोड बहुत प्यारी माशाल्लाह। ये यू टर्न ले लो ना, वो सामने जाना है, सीधा जाना है, नहीं सीधा नहीं जाना, अब्दुल्ला उस तरफ आपने जाना है, वो जो बाइक पर। हाँ हम भी थोड़ा सा गमले बड़े अच्छे हैं, थोड़ा सा रूम ले ले, वैगन जा रही है। हाँ वैगन, वैगन वो उधर जा रही है, आप लोग की साइड पे। अब्दुल्ला तो तू बात कर वापस, हाँ फिर लेके जाना कार, सामने सीधा बस, अब सीधा जाना। कहाँ खड़ा है? कतर एयरवेज, वो आपका जहाज खड़ा है सामने, अवेला ही है, कोई बात नहीं। इसकी बंदे अब्दुल्ला, मुझे नहीं लगता इस साइड पे प्लेन्स होते हैं, वो उस तरफ होते हैं। नहीं तो सामने नजर आना अम्मी जी भी है टैलेंट, मैंने उन्होंने किया, मैं सलाम ही किया, बस हम अपनी मजे नहीं, अपनी कड़ा माड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, आप सऊदी रेल लाइन
हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का वेदर बहुत खूबसूरत है। और यहाँ का आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, और स्पेशली रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद से वापसी एयरपोर्ट से सीधे घर, और धूप भी निकल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी टाइम हो चुका है 8 हैं सुबह के। प्लेस, इस जगह का नाम है ढिपियाँ, यहाँ पे ना कब्रे मंदिर, यहाँ पे बहुत सारी लंगरियाँ मिलती हैं, और ये कब्रों के डिज़ाइन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे, यहाँ पत्थर वाले हैं, टेक्सा में पत्थरों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी हम लोग यूटी के गेट के पास पहुँच चुके हैं। ये है पंजाब, ये देखिए, ये देखिए, और ये हाँ, ये सब बना के रखे उन्होंने। पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी हम ज़्यादा थे शॉपिंग के लिए। ये यूटी है, यहाँ एंटर होने हम घर के लिए, लेकिन अभी हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे। बड़ा प्यारा और बड़ा साफ गोश्त मिल गया रोज़ों में। भाई का इखलाक बहुत अच्छा है, गोश्त भी साफ अपनी मर्जी से बना के दे, कहते जहाँ से कहोगे वहाँ से काट के दूंगा। जी गाइस, घर पहुँच गए हैं, बस करो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना।